हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की मैथ्स जो है एनसीईआरटी मैथ्स बुक उसका चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले डाटा हैंडलिंग होता क्या है। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटिंग इट एंड गेटिंग रिजल्ट। मींस डाटा को पहले कलेक्ट करना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना और उससे कोई रिजल्ट निकालना, इसको हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग। अब डाटा क्या चीज़ होती है? न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय एनी सर्वे या सोर्स। ठीक है, किसी भी सोर्स या सर्वे से हम जब कोई डाटा यानी नंबर्स में हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डाटा। डाटा अनऑर्गेनाइज्ड डाटा जो होता है उसको रॉ डाटा कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा मीन्स कहीं पर भी पहले बड़े वाला रख दिया, फिर छोटे वाला, फिर बड़े वाला आ गया, फिर छोटा वाला, मतलब उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं रखा हुआ, तो वो रॉ डाटा होता है यानी अनऑर्गेनाइज डाटा होता है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ पर्टिकुलर एंट्री ऑकर्स। मीन्स कोई एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सपोज एक डाटा है 2, 3, 4, 5, 6 666 ऐसे 6 कई बार रिपीट हुआ है, तो 6 कितनी बार रिपीट हुआ है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, एरे। अब है एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अरेंजिंग रॉ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। रॉ डाटा जो होता है उसको हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको एरे कहते हैं। क्लास इंटरवल, अ ग्रुप इन विच रॉ डाटा इज कंडेंस्ड। अब रॉ डाटा जो हमने इकट्ठा किया, ठीक है, उसको हम क्लास इंटरवल में कंडेंस करते हैं यानी कि ग्रुप करते हैं। ठीक है, सपोज हमने डाटा कलेक्ट किया, उसको हम 5 to 10 का ग्रुप बना दिया। ये मीन्स 5 से लेकर 10 तक के नंबर एक ग्रुप में आएंगे, उसको कह देते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, डाटा को हम सर्कल ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सर्कुलर ग्राफ। अगर सर्कुलर ग्राफ जो होता है उसको हम यूज़ कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग करने, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, हम पाई चार्ट। ठीक है, अब आता है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल। डाटा को हम अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोग्राफ में कैसे करते हैं? सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि तुमने क्लास 6, 7 में भी देखा था कि हम इस तरह से कोई सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे सिंबल्स यूज़ करके जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ्स तुमने 7th में भी पढ़े थे। ठीक है, बार ग्राफ्स क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब हम इस तरह से बार्स के थ्रू कोई डाटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन होती है? बार्स जो होते हैं इक्वल विड्थ के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक मोटा है, जैसे एक इस साइज का है तो दूसरा अगर मैं इतना मोटा बना दूं ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, बार्स इक्वल विड्थ के होते हैं, इनकी विड्थ इक्वल होती है, बार्स की विड्थ इक्वल होती है। ठीक है, बराबर बराबर होते हैं, उनकी हाइट ऊंची नीची हो सकती है उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन उनकी विड्थ सेम रहती है बार ग्राफ में। ठीक है, अब आते हैं हम हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स विद क्लास इंटरवल, देयर इज नो गैप बिटवीन एनी सक्सेसिव रेक्टेंगल। ठीक है, जब हम कोई डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि सब बिल्कुल जुड़े जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो इसमें मैंने कोई मोटा कोई छोटा बनाया है, पतला बनाया है, तो हाँ हिस्टोग्राम में हमारे बार्स जो है इनकी विड्थ चेंज हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई हमारा बार मोटा हो सकता है, कोई छोटा हो पतला हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं, मींस जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोग्राम में सारे बार्स जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब आते हैं क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज कहलाती है। मीन्स क्या है इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? सपोज हमारी क्लास इंटरवल है 5 to 10, 10 to 15 इस तरह से। तो अगर मैं ये वाली क्लास लेती हूँ, ठीक है,
ये वाला क्लास इंटरवल देती हूँ, तो इसमें ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट में से जब हम लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, अगर मैंने 10 में से 5 माइनस किया बने 5, तो इस वाली क्लास इंटरवल की साइज़ है 5, क्लास साइज़ हो गई 5। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास साइज़ को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है क्लास मार्क। ओके, अब एक्सरसाइज 5.1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज द हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। इन कुछ कंडीशंस दिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि हिस्टोग्राम हम किस में बना सकते हैं। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन पोस्टमैन्स बैग, पोस्टमैन के बैग में अलग अलग लेटर्स रखे हैं अलग अलग एरिया के, क्या इसमें हम इस डाटा से, इससे हम डाटा कलेक्ट करके हिस्टोग्राम बना सकते हैं। द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट्स, कोई गेम हो रहा है, कोई जैसे एथलेटिक मीट क्या होती है, कोई रेस है, कुछ भी है, इवेंट है तुम्हारा, उसके उसमें हाइट कॉम्पिटिटर्स की, जितने भी कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हाइट जो है उसका डाटा, ठीक है, उसको क्या हम हिस्टोग्राम में दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनीज ने कितने कैसेट्स बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उसको हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन, मतलब 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक के बीच में कितने पैसेंजर्स ने ट्रेन में बोर्डिंग की है, यानी ट्रेन में चढ़े हैं, ठीक है, इनके रीज़न बताने हैं और इनका बताना है कि इनमें से किसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी एंड डी, मीन्स कंपटीटर्स की, जो एथलेटिक मीट के जो कंपटीटर्स हैं उनकी हाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पैसेंजर्स जो बोर्डिंग कर रहे हैं ट्रेन में उनको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका हमें, हमारे पास फिक्स डाटा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा। बी क्या है, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट, ठीक है, एथलेटिक मीट में जो हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं वो, और डी में क्या लिखा था, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। तो ये दोनों जो हमारे केसेस हैं इनमें हम क्या कर सकते हैं, क्लास इंटरवल बना सकते हैं, इसीलिए हम इन हमने ये चूज़ किए हैं, ठीक है। वी वुड यूज़ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा इन बी एंड डी, तो आंसर हो जाएगा हमारा कि हम बी और डी में क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम शो कर सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या है इसका, बिकॉज इन दीज केसेस डाटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स, इनके डाटा को हम इजीली क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड कर सकते हैं, इसीलिए हमने इनको चूज़ किया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर टू में W फॉर वुमेन, M फॉर मैन एंड B फॉर गर्ल्स एंड G फॉर B फॉर बॉयज़। तो ये इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर टू, इसको हमें क्या कहा है कि एक टेलीमार्क टेबल बनाना है और इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, ठीक है, ड्रॉ बार ग्राफ एंड ऑल्सो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स यूज़ करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा था, जैसे कि हमारे जो भी शॉपर्स हैं कितने हैं, डब्ल्यू एम बी जी, डब्ल्यू फॉर वुमेन, एम फॉर मैन, बी फॉर बॉयज़ एंड जी फॉर गर्ल्स। ओके, तो इस तरह से अब इसमें हम बुक में क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने डब्ल्यू हैं इसमें, डब्ल्यू काउंट करोगे ऐसे 1 2 3 4, कितने W हैं वो गिनोगे, ऐसी मेंस के कितने M लिखे हैं वो काउंट करना है, G कितने हैं, B कितने हैं, ऐसे काउंट करने, और काउंट करने के बाद तुम्हें उसके आगे नंबर्स लिखना है। जैसे हमने काउंट किया W कितने हैं, 28 है, M कितने हैं, 15, B कितने हैं, 5 एंड G 2 है, ठीक है। टेलीमार्क्स बनाना तुम्हें आता ही है, 5 का एक ग्रुप होता है 1 2 3 4, और 5 में हम ऐसे काट देते हैं, इस तरह से 5 के 5 ग्रुप्स से हमारा एक टेलीमार्क ग्रुप बन जाता है, जिस तरह से 1 2 3 4, और फिफ्थ को हम ऐसे काट देते हैं 1 2 3 4, फिफ्थ से काट देते हैं, इस तरह से हमारा 28 हमने डिनोट कर दिया, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 एंड 3, ठीक है, 28 हो गया।
15 के लिए हमारे तीन ग्रुप बन जाएंगे 5 5 के, और 5 के लिए एक ग्रुप एंड 2 के लिए 2 हमारे, हमने ऐसे करके 2 टैली मार्क्स लगा दिए। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना लेना है, ठीक है। अब इसको बार ग्राफ पे भी डिनोट करने के लिए कहा गया है, तो हम इस क्वेश्चन को बार, इसका बार ग्राफ बनाएंगे। पहले दो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनानी है, ठीक है, और इसको हम 5 में भी, 5 के टेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करते हैं ना, तो 5 के टेबल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने 5 लिया, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया है 2 का टेबल लिया है, ठीक है, 2 2 2 2 के पार्ट में डिवाइड किया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे हम कितना भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सपोज़ हमारे 28 में डब्लू कितने थे, 28, तो 28 पे जाके स्ट्रेट लाइन उससे मार्क करके एक बार बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया डब्लू, और फिर एम के लिए हमारा है 15, तो 16 और हमारा 18 के बीच में, नहीं यहाँ 14 और 16 के बीच में जाओगे और मार्क करोगे ऐसे करके लाइन, और उससे हम एक बार बनाएंगे, ये बन जाएगा एम का बार, यानी 15 के लिए बार बन गया, ये 15 के लिए बन गया, और ये 28 के लिए। यहाँ पर हमारे 4 और 6 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लेके आओगे यहाँ पर ऐसे करके स्केल से रख के, और ये हमारा यहाँ पर एक बार बना दोगे, ये 5 का बार, इसी तरह से 2 का बार जो है यहाँ से लेके आएंगे और 2 का बार बन जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये बार ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ठीक है। पीछे बुक के पीछे ये बार ग्राफ बना के नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है बार ग्राफ बनाने के लिए, इसीलिए ये बनाना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री में वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के वर्कर्स की वीकली वेजेस गिवन है, ठीक है। 830, 835, 890, 810 ऐसे रॉ डाटा दिया है। रॉ डाटा मीन्स कोई अरेंजमेंट नहीं किया हुआ, कोई अरेंज नहीं किया गया है इसको, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करना है डाटा को क्लास इंटरवल्स में। हाँ, यहाँ क्वेश्चन है, यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको हमें क्लास इंटरवल्स में पहले डिवाइड करना है और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो कैसे करते हैं, 800 to 810, जैसे 800 to 810, तो 800 और 810 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम इस ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। यानी 800 810 के क्लास इंटरवल के अंदर 800 से लेकर 810 तक के सारे नंबर आएंगे। सपोज़ जैसे कि 804 800 और 810 के बीच में आता है, यानी इन दोनों के बीच में इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन सा नंबर ले सकते हैं, 806 ले सकते हैं। इसी तरह से इनमें से बड़े ध्यान से ये सारे नंबर्स ऑब्जर्व करने हैं और फिर एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ओके। कैसे बनाना है वो ध्यान से देखो, देखो क्लास इंटरवल्स ऐसे लिखना है, टेलीमार्क फ्रीक्वेंसी 800 to 810, 810 to 820, इस तरह से ये पूरा नंबर्स लिखने हैं। और 800 और 810 के बीच में जो जो नंबर आए हैं, कितने नंबर आए हैं, जैसे 804 है, 806 है, और कौन सा नंबर है, 804, 806 और 808 इस वाले क्लास इंटरवल के अंदर आए हैं, तो तीन नंबर मिले हमें, 804, 806, 808, कितने नंबर्स मिले, 3, इसीलिए टेलीमार्क्स में हमने 3 लिखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी हमारी आ गई 3। इसी तरह से 810 और 20 के बीच में कौन से नंबर्स आए हैं, कितने नंबर्स आए हैं, वो हमें काउंट करके लिखने हैं। जैसे 812 इस वाली सेकेंड वाली क्लास इंटरवल में हमारा क्या नंबर आएगा, 810, ठीक है। इस तरह से ये तीन नंबर हमारे सेकेंड क्लास इंटरवल में, दो नंबर हमारे क्लास इंटरवल सेकेंड में आए, यानी 810 और 812, ठीक है। 10 जो है इसमें काउंट होएगा, 10 इसमें काउंट नहीं होएगा, 810 किस में, नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल में इसमें काउंट होगा, लोअर लिमिट जिसमें है उसमें काउंट होगा, ठीक है। इसी तरह से 820 इस वाले में काउंट होएगा, इसमें नहीं काउंट होएगा, ठीक है।
इस तरह से काउंटिंग करके आराम से टैली मार्क बनाना है और फ्रीक्वेंसीज उनके सामने इनको गिन गिन के लिखनी है। थ्री तो थ्री, टू टू, वन वन, ऐसे ये जो होता है हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये नाइन टैली मार्क्स हैं और नाइन हमने नंबर लिखा है। ठीक है, इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। अभी क्वेश्चन नंबर फोर में हमें इसी टेबल का ग्राफ बनाने के लिए कहा है। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर में ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, इसी टेबल का हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, अब हिस्टोग्राम कैसे बना रहे हैं देखो, पहले एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींचनी है और इस तरह से एक यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और अब हमें क्या है, 800 से लेकर 900 तक वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से अगर हम जीरो से स्टार्ट करें तो जीरो से लेकर 800 तक तो खाली जाएंगे ना, क्योंकि 800 तक कोई नंबर नहीं है, 800 और 900 के बीच में है, तो इसीलिए हम एक छोटा सा किंक डाल देते हैं। किंक का मीनिंग होता है ये जीरो से लेकर यहाँ तक के नंबर्स हमने काट दिए हैं और डायरेक्ट हम पहुँच गए हैं कहाँ पर, 800 पर, 800 पर। ठीक है, ज़ीरो से लेकर 800 नंबर, 800 तक के नंबर हमने किंक से ऐसे करके काट दिए। ठीक है, इसको कहते हैं किंक। ओके, अब 800, फिर हम लिखेंगे 810, फिर 820, इसी तरह से 830, सारा टेबल चलेगा। अब जैसे हमने ये नंबर्स पुट कर दिए हैं अपने ग्राफ पे, यहाँ पर 1 to 10 डाल दिया, 800 to 900 हमने 10-10 के गैप पे लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 800 to 810 हमारे 3 है, 800 से लेकर 810 3 तक, तो 3 ये है, 3 तक ऐसे करके एक डॉटेड लाइन से 3 तक पहुँचो, इस तरह से एक बार बना दो। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट नंबर 2, 800 से लेकर इस तरह से 2 तक हमें एक बार बनाना है, फिर है 1, ये 1 तक जाएगा, नेक्स्ट है 9, तो 9 तक जाना है हमें इस तरह से, 9 तक बार बना देंगे, फिर 5 है, फिर 1, फिर 3 एंड फिर 1, फिर से 1 और फिर से फिर 4, इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब देख रहे हो ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, ये हिस्टोग्राम है। ठीक है, फर्स्ट जो हमने बनाया था वो बार ग्राफ था। ठीक है, उसमें क्योंकि डिफरेंस था, बार्स के बीच में डिफरेंस था, इसमें बार के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ये हिस्टोग्राम है। ओके, इसी क्वेश्चन में हमें पूछा है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सबसे ज़्यादा वर्कर्स कौन से ग्रुप में है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, उस वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा वर्कर्स है। कौन सा ग्रुप है ये, 830 से 840 वाला ग्रुप, तो 800 इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, 830 to 840। ठीक है, ग्रुप 830 to 840 जो है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 रुपीस एंड मोर, कितने लोगों को 850 और उससे ज़्यादा पैसे अर्न किए, कितने लोगों ने। ठीक है, 850 वाला लाइन कौन सी है, ये है, तो 850 इस लाइन के इस साइड के नंबर देखोगे मोर में। ठीक है, हमें मोर बोला है तो हम इस साइड के नंबर देखेंगे, ये कितना है 1, ये कितना है 3, ये 1 1 और ये हमारा 4 है, तो टोटल कर लेंगे 1 + 3 + 1 + 1 = 4, टोटल हो गए 10, तो कितने आ गए 10। ठीक है, मोर देन 850 कितने आ गए, सेकेंड में हमारा आंसर आ जाएगा 10 वर्कर्स, 10 वर्कर्स कैन अर्न मोर देन 850। ओके, इसी तरह से
थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में हमें पूछा है कि हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। लेस देन के लिए 850 की लाइन ये है, इससे इस साइड के नंबर्स गिन लेंगे, ठीक है। तो इस साइड में टोटल नंबर कितने हैं, ये 5 है, ये 9 है, ये 1, ये 2 और ये 3। टोटल कर लो, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 9 17 प्लस 5, इस तरह से सारे टोटल कर लोगे तो तुम्हारे आ जाएगा कितना, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 हो गया 20। तो टोटल हो गया 20। तो हम लिखेंगे 20 वर्कर्स कैन अर्न लेस देन 850। ओके, तो थर्ड का आंसर हो गया 20 वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ गिवन है, इसको देख के तुम्हें आंसर्स देने हैं। फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, इसमें टीवी को वॉच करने का एक बार ग्राफ बना के, हिस्टोग्राम बना के दिखा रखा है, ठीक है। ध्यान से देखोगे, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इस तरफ आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, यानी कि कितने घंटे जो है टीवी वॉचिंग करते हैं बच्चे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 1 to 2 hours, 1 to 2 hours कितने बच्चे देखते हैं, 4, ठीक है। 2 to 3 hours 8 बच्चे देखते हैं, ऐसे ही 3 to 4 hours 22 बच्चे देखते हैं, 4 to 5 hours 32 एंड 5 to 6 8 बच्चे देखते हैं, 6 to 7 6 बच्चे देखते हैं, ओके। अब इस ग्राफ को अच्छे से देख लिया, अब इसके आंसर देने हैं। हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी, तो मैक्सिमम कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है, तो मैक्सिमम कौन सी है, 32 वाला, इसमें कितना आवर है, 4 to 5, तो आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच्ड टीवी फॉर 4 to 5 hours। हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours, 4 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 4 से कम में कितने आएंगे, इस साइड के सारे आ जाएंगे, मीन्स 22 + 8 + 4, ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 34। तो 34 स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 hours इन टीवी वॉचिंग टीवी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 hours, 5 hours से ज़्यादा वाले, 5 hour पे जाओगे और उनको काउंट करोगे इस साइड में कितने हैं, तो इस साइड में 8 + 6, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 14। तो 14 स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर 4 to 5 hours, ग्राफ पेपर पे ग्राफ को हिस्टोग्राम को देख के इनके आंसर देने, ओके। 34 स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 hours, थर्ड का हो गया। 14 स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 hours इन वॉचिंग टीवी, ओके। तो एक्सरसाइज 5.1 ओवर हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में 5.2 कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय वीडियोस, ओके। थैंक यू।